भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रविवार को एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी दाईं आंख के ऊपर चोट लगी है और उनके 10 टांके भी आए। उनकी हालत सामान्य बताई गई है। वे खतरे से बाहर हैं और देहरादून में आराम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शमी पिछले कुछ समय से देहरादून की अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी में अभ्यास के लिए आए हुए थे। यह अकेडमी बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की है। शमी ट्रेनिंग पूरी कर दिल्ली लौट रहे थे और इस दौरान उनके साथ यह घटना हो गई। एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। शमी को इलाज के लिए CMI अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जन डॉक्टर तरुण जैन ने इनका इलाज किया। दो दिन पहले ही BCCI ने शमी को फिक्सिंग के आरोप से मुक्त करते हुए एक साल के अनुबंध के लिए ग्रेड बी में शामिल कर लिया था। शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही है। शमी अगले महीने से शुरू होने जा रहे IPL के 11वें संस्करण में दिल्ली डेयर डेविल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे।